पोहरी स्वामी विवेकानंद स्कूल परिवार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष रश्मि नेपाल वर्मा पहुंची, जहां सर्वप्रथम राज्य मंत्री सुरेश ठाकर ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। वहीं मंच संचालन का कार्य शिक्षक भरत सिंह धाकड़ एवं शिव कुमार वर्मा द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका शशि भरत धाकड़ ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया, जहां राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने मंच पर सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारी कभी अपने आप को रिटायर न समझे बल्कि मार्गदर्शन देते रहें, इस क्षेत्र के विकास में सहभागी बने। वहीं शिक्षक हमेशा ज्ञान का दीपक होता है जो शिक्षा का अलख जगाता है, इसलिए शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते। सेवानिवृत्ति एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो होती है। आज सुखद महसूस हो रहा है कि हम उन विभूतियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमी, नगर परिषद उपाध्यक्ष कृष्णलता संजीव शर्मा, कर्मचारी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पिपलोदा सहित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस को तारीख बताई और मंदिर आज वापस गया, बोले धारा 307 को हटा नहीं सकता, 370 को कोई छोड़ेगा तो गदर हो जाएगा, मदर हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगी। इसको मोदी कहते हैं तब धारा 370 हटी तो भगदड़ मच नहीं उड़ा, और धारा 370 हटी के नहीं हटी।